आप सबकी बरकत को नमन। मैं अंतिम कवि हूं और संचालक और विधायक जी दोनों जानते हैं कि अंत के समय एक ब्राह्मण का लड़का ही काम आता है, तो मैं ब्राह्मण का बेटा बनके हमारे और मेरा एक मुझे भी क्रम में रहना है, पेमेंट तो मुझे भी ले जाना है। चार चीजें सुन लीजिए, सब विषय सुने आपने। मैं देख रहा था बच्चे हमारे बैठे हैं बहुत सारे बीच में, मैं चार बातें उन बच्चों को सौंपता हूँ, बच्चों के नाम करता हूँ। शायद मेरे पास जो सबसे अच्छा है मैं पढ़ के देखता हूँ कि आप उसे किस मकसद सौंपता हूँ। कृष्ण था कि वीरता कहते हैं आए, उसका सवाल था, उसे प्रश्न पत्र में सवाल मिला, उसे वीरता के तीन पर्यायवाची लिखने थे, दो उस बच्चे को आते थे, तीसरा उसे नहीं आता था, उसने जो लिखा कि प्रश्न था कि वीरता के तीन पर्याय लिखो, जो लगा के बच्चे ने हो अभियान लिख दिया। प्रश्न था कि वीरता के तीन पर्याय लिखो, जो लगा के बच्चे ने हो अभियान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यू लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यू लगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यू लगा पता तब स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद न आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। हो बहुत अच्छा सिपाही। मैं एक अपना आंदोलन है तिरंगा में, दो तीन बंद विधायक की किस्मत देता हूँ, और दो बंद मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आप एक सैनिक के परिवार में गए और आपने कहा मैं होली आपके साथ मनाना चाहता हूँ। दो बंद मैं सैनिकों के सम्मान में पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि जब जब धरती ने बेटे मांगे हैं वहां वो जमीन है जिसने सबसे आगे बढ़कर अपने बेटों को जमीन पे खड़े स्वागत। मेरा कितना मुस्लान बांधो, आप कैसे सुनेंगे? आप सुनेंगे सुनेंगे। मेरा कितना मुस्लान बांधो, मेरा कितना मुस्लान बांधो, यानी मेरे सैनिक के साथ मान को, मेरा कितना मुस्लान बांधो, यानी मेरी जो वर्दियां खड़ी है मैंने सैल्यूट करके उन्हें सौंपता हूँ। मेरा कितना मुस्लान बांधो, यानी मेरे सैनिक के साथ मान को, ना तो दिन रहेंगे के ना सुबह शाम, ना तो दिन रहेंगे के ना ही सुबह शाम, तन मन कर दिया देश के नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम, मौत को भी जो बना के रखते गुलाम। अगर एक तुकाराम उनले नहीं होता तो उनके साथ सभी जिंदा पकड़। बहुत अच्छा। मौत को भी जो बना के रखते गुलाम, मौत को भी जो बना के रखते गुलाम, वर्षिंगी ऐसी हर बती को सलाम, वर्षिंगी ऐसी हर बती को सलाम, बन गए भारती की आंखों का ये नूर, बन गए भारती की आंखों का ये नूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, तुझ में ओ हम में तो उस पर भयंकर दिखाता हूँ। अगर आपसे कुछ पूछे कि आप सैनिकों में और आपके पड़ोसी मुल्क के सैनिकों में क्या अंतर है, मैं चक्षु दिखाता हूँ। सैनिक उनके भी लड़ रहे थे पिछले करगिल के युद्ध में, देखा आपने तमाम बात देखा, सैनिक हमारे भी लड़े, उनके सैनिक ऊंचाई पे छुप 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 के लड़ रहे थे, हमारे सैनिक नीचे से खुलेआम लड़ रहे थे, लेकिन एक फर्क था दोनों सैनिकों के बीच में, उनके सैनिकों को सतर्कता के लड़ना पड़ रहा था, हमारे सैनिक जिंदा जय जय हो। सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, तुझ में ओ हम में बहुत फर्क है, तुझ में ओ हम में बहुत फर्क है, जिस घर में पुता भी एक तर्क है, तुझ में ओ हम में बहुत फर्क है, जिस घर में पुता भी एक तर्क है, तूने मेरे सैनिकों के शीश काटे थे, तूने मेरे सैनिकों के शीश काटे थे, हमने तेरी लाखों का फल पाते, हमने तेरी लाखों को कफन पाते थे, कफन पाते थे, क्योंकि यही भारत की पहचान है, यही भारत की पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान
हिंदुस्तान है। अभिनंदनी समर्थन आना चाहिए तालियां बजा के। श्रृंगार ने मन से सुनाए, अंगार के वना से सुनिएगा, से सुनिएगा कि सैनिक ने अब मैं पहली बार कहता हूं, मैं भी अंदाज आपसे एक बार के नहीं कहा, लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं अगर बचा सकते हो तो मेरी कविता नहीं, आपके लड़ाते हुए हाथ अपने सैनिकों के सम्मान में बनाएंगे। अभिनंदन सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है एक दृश्य दिखाता हूँ और दावा करता हूँ 24 घंटे में अगर एक बार दिलों में हिंदुस्तान लगता होगा तो आप अपने हाथ रोक नहीं पाएंगे। इस दावे के साथ आगे बढ़ना है कि सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, बोली नहीं आखिर वो नजारा अब तक चौथी पंक्ति में आपके दिल पे खतरे विस्फोट सा होगा होगा, बोली नहीं आखिर वो नजारा अब तक, बोली नहीं आखिर वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, बोली नहीं आखिर वो नजारा अब तक, शेर कैसे कब जो तालियां रुकी है तब तक रुकी रहेगी कि बोली नहीं आखिर वो नजारा अब तक, शेर कैसे था हमारा हम तक, शब्द ने किया था जिस्म को लहु लुहान, शब्द ने किया था जिस्म को लहु लुहान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान। क्या बात है, दोबारा सुनेंगे आप इस दम को सुनेंगे, लेकिन तालियां बजा के सुनेंगे, मैं कोई भी हाथ खामोश देखना नहीं चाहता, नहीं बना दीजिए इस महोत्सव कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, जय बात बड़ा भार सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, शख्स ने किया था जिस्म को लहू लुहान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान। लंका देवी हनुमान जी की पूछते, लंका देवी हनुमान जी की पूछते, पार करा अभिनंदन की मुझसे, पार करा जिंदाबाद, पार करा अभिनंदन की मुझसे, पार करा अभिनंदन की मुझसे, दर दर का पाजिस को भी दिया दूर, दर दर का पाजिस को भी दिया दूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये स्वागत है, आज ताली बजा के समर्थन करिएगा, आदेशित करिएगा गोवंश के लिए। मेरी कविता का आंदोलन है एक याद आंदोलन और जो आपको सौंप रहा हूँ, जब मैं मंच पे आया तो मैं पहली बार लाल किले के सम्मेलन में गया दिल्ली, तो मैंने इसे सुनाया, अगली बार मुझे जब बुलाया गया तो मुझे स्पेल और कागज दिया गया कि आप मैंने लिख के बेटा मैं जानता हूं मेरे पास तुम्हारे मतलब का शायद बेटा नहीं है, लेकिन जो और लोग हैं उनसे कम उनके लिए मेरे अंदर कृपा कर बहुत आता है। जब मैं पहली बार पढ़ के आया तो दोबारा से बुलाया गया तो मेरे कागज स्पेल दिया गया, कहा गया पहले आप लिख के दीजिए कि आप क्या सुनाएंगे, उसके बाद मैं 12 साल लाल किले नहीं गया, लेकिन जब दोबारा गया तो मैं ऐसी शर्त कर गया कि मैं अपना आंदोलन जरूर करूंगा, कि दो बंद पढ़ के देखता हूं कि आंदोलन आपका भी अपना बनना चाहता है या सिर्फ मेरा रह जाना चाहता है, पढ़ता हूं तब तक अभी मैं तिरंगा क्योंकि इतना तिरंगे को छुपाया जा चुका है। मेरा मानना कि कोई व्यक्ति कितना भी आदर नहीं हो सकता है, सम्मान नहीं हो सकता है एक व्यक्ति, लेकिन मेरे देश मेरे हिंदुस्तान से बड़ा कठिन नहीं हो सकता, बस किसी एहसास को गाने जा रहा हूँ, याद है कि कितना तिरंगे को छुपाया जा चुका, कितना तिरंगे को छुपाया जा चुका, आजादी की कितनी सजा हो चुका, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, शोक में तिरंगा छुपाना जरूर है, शोक में तिरंगा छुपाना जरूरी है, नौकरी पे तब ऐलान किया जाए, अंति का भी बात बारे में न दिया जाए, कहे ते गुबे अनल रुकेगा नहीं, कहे ते गुबे अनल रुकेगा नहीं, आज तक तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं।
झुकेगा नहीं, मेरे चरण कभी झुकेगा नहीं। तालियां बजती रहे, समर्थन आता रहे, तिरंगा को भी आपकी मोहब्बत मिले। जयकार हो आशीष भाई अभिनंदन बाबा। ये सीमा न तो हमारी जान बान है, ये तिरंगा तो हमारी जान बान है, ये हमारी आजादी की पैक है। क्यों नहीं झुकेगा, क्यों नहीं झुकेगा हमें? ये तिरंगा तो हमारी जान बान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये सवा अरब जनता की छाती है, ये सवा अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। किस सोच में पड़ा, नहीं होता कोई रास्ते बड़ा, ऐसे तिरंगे तो कभी झुकेगा नहीं, तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। क्या कहने तिरंगा तिरंगा हो, डोरिया पकड़ तेरी हुए जो करे डोरिया। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, सर्वाधिक गुस्से में जो मैंने लिखा है, सर्वाधिक गुस्से में गाने की कोशिश मैं करूंगा। आदत है भैया जी, लेकिन देखना चाहता हूँ गुस्सा आपके दिल में मैं पैदा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। आदत है डोरिया पकड़ तेरी हुए जो खड़े, डोरिया पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए है वो आज देश से बड़े, डोरिया पकड़ तेरी हुए जो खड़े, क्या हो गए है वो आज देश से बड़े। देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा पर है, फिर क्यों तिरंगा मेरा पर तंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा सरकारें चली जाती है। वाह, वो सरकार आई तो वो तो तीन नाम हो, वो तो तीन नाम, मैं कुछ नाम नहीं बताऊं, मेरा कोई विरोध नहीं, देती हमें आजादी बिना खटक बिना खास। लेकिन मगर मैं ये मानता हूँ जिस आदमी के पीछे लाखों लोग नंगे पैर जमीन दौड़ने लगते हो, उस आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा साथ। लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ अगर वो नहीं होते तो आजादी की लड़ाई 100 साल और लड़के थे। स्वागत है, पास करना या फेल जिम्मेदारी निभाना जरूर। पास करेंगे, झुकेगा नहीं मेरा ये तिरंगा, आप झुकेगा नहीं बोलो, ये तिरंगा आप झुकेगा नहीं। बिस्मिल्लु भगत अशफाक से हमें, बिस्मिल्लु भगत अशफाक से हमें, बिस्मिल्लु भगत अशफाक से हमें, ऊंचा रखने में हो गए शहीद, बिस्मिल्लु भगत अशफाक से हमें, इसे ऊंचा रखने में हो गए शहीद। जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, जलियांवाला बाग जब लाल हुआ था, तब भी तिरंगे ने आकार छुआ, तिरंगे ने आकार छुआ था। इसे ऊंचा रखने में कई तंगे, वो तिरंगे चारियों की शोभा बन गए, वो तिरंगे का दिल झुकेगा नहीं, कह दो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। हाँ, तिरंगा अंतिम क्षेत्र क्या पड़ता, बहुत बहुत आभार आपका कि आप लोगों ने बात खुद के मुझे आशीर्वाद किया, खड़े होकर आशीर्वाद किया, मैं सैल्यूट करता हूँ। अंतिम छह पंक्तियां पढ़ता हूँ, केसरिया सफेद चक्र था चार की हमारे राष्ट्रीय ध्वज है। मैं सोचता हूँ आप में से किसी एक व्यक्ति को, छोटे से बच्चे को बुलाऊं या मैं आप में से किसी एक भाभी को बुलाऊं या बिटिया को बुलाऊं, आप सोचता हूँ आप यहाँ आइए और बोलिए आपको आपका तिरंगा कैसा लगता है। क्यों लिखा अपना डॉक्टर उन्देश जैसे कलमकार को कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। अंतिम छह पंक्तियां पढ़ता हूँ, दाई मानता हूँ आपसे अभिनंदन, जैसा आपका मन स्वागत है। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरी नजर में कैसा लगता है मुझे तिरंगा, कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं, केसरिया माता का श्रृंगार, पूरा मन मानता कैसा लगता है, केसरिया माता का श्रृंगार तान है, केसरिया माता का श्रृंगार तान है, तिरंग प्यारी शांति की जुबान है,
पहरी है, चौथी पंक्ति देखना चाहता हूँ आप कितने मन से सुनेंगे चौथी पंक्ति। केसरिया माता का श्रृंगार दान है, केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्री रंग प्यारी शांति की जुबान है, चक्र चौरी शक्ति का खुला बयान है, चक्र चौरी शक्ति का खुला बयान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, वाह हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, यानी रंग हमारी आन बान है, ये छुटा तो नाचता है अपमान है, कच्चारों की मौत पे ये थूकेगा नगी, हाय रंगे चक्कर जो चूकेगा ना दबा के, रंगे चक्कर हो थूकेगा नगी, बिहार ये रंग कभी थूकेगा नहीं, हाय हाय बहुत अच्छा लगा। मैं ये कह सकता हूँ आपके माँ की शुरू करो विधायकी से निवेदन, सब कवियों का अभिनंदन करें, और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माँ की उलझी न सुलझा दे कौन ये फंदा थामेगा, माँ की उलझी लत सुलझा दे कौन ये फंदा थामेगा, हिंदू मुस्लिम जंग लड़े तो कौन ये दंगा खानेगा, और मानवता को शर्मसार कर मजहब पर मिटने वालों जब हम ही मिट जाएंगे तो कौन तिरंगा खानेगा।